नीतीश सीएम, तेजस्वी बने डिप्टी सीएम, बीजेपी ने बनाई समारोह से दूरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भारतीय टीमों के लिए 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। विदेश मंत्री जयशंकर ने आईसीसीआर विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार प्राप्त करने पर इथियोपिया के मंत्री को दी बधाई। स्वतंत्र देव सिंह का यूपी विधान परिषद के नेता पद से इस्तीफा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सूर्य कुमार यादव नंबर 2 पर तो श्रेयस अय्यर ने लगाई रैंकिंग में बड़ी छलांग। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। यूपी के हरदोई में बेसिक शिक्षा विभाग का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्कूल में गिरे पेड़ों की लकड़ी कटवाकर बेचने जा रहे थे। इस दौरान सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने प्रधानाध्यापक को लकड़ी के साथ धर दबोचा। वन विभाग की टीम ने लकड़ी को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नीलामी के बाद लकड़ी बिक्री का पैसा विभाग के खाते में जमा कराया जा सकता है। हमें ये जो भी हुआ मतलब प्रक्रिया के तहत जो है वन विभाग ने फिर क्यों पकड़ा? अब वन विभाग को हमें जानकारी नहीं दी थी, मतलब इन चीज़ों की हमें कोई व्यवसाय कमाए नहीं, वो तो हमारी जो मतलब जो बताया वही हमने कर दिया। क्या कहाँ चला रहे थे, कैसे क्या हुआ जी? कहाँ से लकड़ी ला रहे थे, कैसे क्या? अरे सर अब ये सब जो है अब आप वहीं मौके पे आइए फिर देख लीजिए। खबर देवरिया जनपद के जीवन मार्ग सोफिया सेकेंडरी स्कूल से है, जहां सभी ने छात्राओं ने जिला कारागार पहुंचकर वहां के बंदियों को राखी बांधी और उनकी सलामती की दुआ मांगी। इस दौरान सभी छात्राओं के चेहरे खिले नजर आए। वहीं छात्राओं ने बातचीत में बताया कि उन्हें कैदी भाइयों को राखी बांधना काफी अच्छा लगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कैदियों को बाहर जाने और अपने जीवन को सुधारने का मौका मिले। हम सब जीवन मार्ग सोफिया सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हैं और हम सब जेल में गए, हमने अपने भाइयों को राखी बांधी, सारे कैदियों को राखी बांधी और हमें बहुत अच्छा लगा। उनके चेहरे पे जो हंसी आई उसे देख के हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ देवरिया के जेल में आके हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ के सभी कैदियों को बाहर जाने का मौका मिले और वो अपने जीवन में ये कार्य दोबारा ना करें। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा बाइक रैली का शुभारंभ किया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर बाइक रैली में शामिल हुए। प्रदेश के जन जन में जागरूकता आई है और आज जिस तरीके से उत्साह से लोग तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं और हर घर में तिरंगा लगाने की एक मैं देख रहा हूँ कि एक होड़ सी मची हुई है, एक मुहिम बन गया है ये। मैं 13 तारीख से जो ये 13 से 15 तारीख का जो अभियान है, मैं समझता हूँ प्रदेश के हर घर में एक तिरंगा जरूर लहराएगा और हम एक संदेश भी दे रहे हैं कि तिरंगा, क्योंकि एक हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा अभिमान है, हम लोग की पहचान है, इस तिरंगा यात्रा से पूरा देश एकजुटता का भी संदेश। सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसके तहत 150 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जो कि 15 लाख रुपए की कीमत की बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ भी कर रही है। हमारे स्वाट और सर्विलांस अधिकारी और थाना रावर्सगंज की पुलिस ने मिलकर एक बहुत अच्छे हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक है अब्दुल मजीद उर्फ बच्चा और दूसरा है इम्तियाज अंसारी, ये दोनों रावर्ट्सगंज कस्बे के रहने वाले हैं। इनका दोनों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है और इनके कब्जे से 150 ग्राम। गाजियाबाद में धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पहले लड़के ने युवती से सोशल मीडिया के थ्रू दोस्ती कर शादी की, फिर 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गया।
वहीं अब लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है, अपने पति को खोज रही है, जहां पीड़ित युवती ने अब पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आयोजित हरगर तिरंगा अभियान के तहत मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने ग्रोइंग सोल किड्स गुरुकुल स्कूल में आयोजित तिरंगा कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान हेमा मालिनी ने बच्चों को तिरंगा वितरित किया, वहीं स्कूल की डायरेक्टर ने उन्हें पटका और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ देशभक्ति के गीत गाए, साथ ही हरगर तिरंगा अभियान में भाग भी लिया। स्कूल में आए हैं अमरनाथ किड्स गुरुकुल, जो है मैं पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन आज का आना कुछ अलग ही माहौल है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक बहुत ही उल्लास का एक वातावरण है, उसमें बच्चों के साथ मिलकर तिरंगा दिया मैंने, और देशभक्ति के प्रति कैसा बच्चों को भी उजागर होना चाहिए। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में सभी दुकानें सज चुकी हैं। बहन भाई के अटूट प्रेम स्नेह के पर्व रक्षाबंधन को लेकर शहर में हर जगह राखियों की दुकानें लगी हैं, वहीं खरीदारी भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कई प्रकार की राखियां बाजार में बिक्री के लिए सजाई गई हैं, वहीं इस बार पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। नोएडा के सेक्टर 39 थाना से एक खबर सामने आई है, जहां प्राइवेट नौकरी को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। वहीं विवाद के चलते पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि 18 साल से दोनों पति पत्नी साथ में प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, जिसे छोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। आपको बता दें कि दोनों पति पत्नी ससुराल सरलापुर गाँव में किराए में रहते थे। मामला अयोध्या से है, जहां दो सगी बहनों के साथ तीन युवकों ने दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि मामला कोतवाली बीकापुर के मरुई सहाय गांव का है, जहां दोनों सगी बहनें बीकापुर बाजार से अपने गांव वापस लौट रही थी, तभी पास के पड़ोसी गांव के तीन युवकों ने दोनों बहनों के मुंह में कपड़ा बांधकर गन्ने के खेत में खींच कर ले गए और बारी बारी से दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें बनाई गई हैं। कोतवाली बीकापुर में दो सगी बहनों के साथ रेप की सूचना मिली, जिस संबंध में पीड़िता के पिता द्वारा तहरीर दी गई, उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों पीड़िता को महिला कांस्टेबल के साथ मेडिकल के लिए रवाना कर दिया गया है। खबर वाराणसी से है, जहां राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र वाराणसी पहुंचे, जहां पहुंचकर राज्यपाल ने कहा कि घर घर तिरंगा अभियान को सबके अपनाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये माहौल लोगों के द्वारा राष्ट्रभक्ति जगाएगा। जो उथल पुथल चल रहा है वे स्वयं अपना लोग ठीक ठाक करेंगे। राजनीति विषय ये वार्ता है, इसलिए इस संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी उचित नहीं है। केवल इतनी मैं अनुभव करता हूँ कि जहाँ भी सारी चीज़ें चल रही हैं, स्वयमेव उसको लोग उसका समाधान निकालने का प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आजादी के अमृत महोत्सव पर देश भर में आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक बनाने के लिए जोरों शोरों से कोशिश की जा रही है। वहीं देश भर में इसको लेकर चल रहे तिरंगा यात्रा में बाइक पर बैठकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, हमीरपुर, श्रावस्ती, चंदौली सभी जगह बाइक रैली निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जनता को जागरूक किया जा रहा है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।